मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अमेरिका और यूरोप के नागरिकों से बहुत बार संवाद करते हुए मुझे जो बार बार सुनने को मिला है वो पता है क्या है? वो कहते हैं यूरोप और अमेरिका में 3 W अनिश्चित हैं, जिन पर कभी भरोसा नहीं होता। एक तो है वेदर, कभी भरोसा नहीं क्योंकि निश्चित ही नहीं। दूसरा है वाइफ, कुछ पक्का नहीं है, सवेरे आई है शाम को चली जाएगी, सवेरे शादी हुई है शाम को तलाक हो जाएगा। यूरोप में ऐसे बहुत नागरिकों को मैं जानता हूं जिनकी 25 शादियां हुई, 30 शादियां हुई, 35 शादियां हुई, फिर भी संतुष्ट नहीं, कहते एकाध और कर ले। वाइफ नहीं है माने पक्का नहीं है, सवेरे है शाम को रहेगी पक्का नहीं है। तो वेदर, वाइफ, और तीसरा है वेल्थ, धन संपत्ति का पक्का नहीं है। आज सवेरे आप करोड़पति थे, शाम को नैस्डैक गिरा तो रोडपति हो जाएं, कंगाल हो जाएं, भिखारी हो जाएं। भारत में ये तीनों ही निश्चित हैं। वेदर भी निश्चित है, वाइफ भी निश्चित है, वेल्थ भी निश्चित है। वेदर तो इतना निश्चित है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हम आंख बंद करके छोटे बच्चों को ये कहते सुनते हैं, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा जाला खोटा, पाउसाला मोटा। ये मराठी की एक कविता है, बच्चे गाते हैं महाराष्ट्र में, बारिश आओ जल्दी आओ, और वो उनको मालूम है किस महीने में गाना है, और ज्यादातर बच्चे गाते हैं उसके 2-3 दिन में बारिश आ जाती है, क्योंकि उनको समय का पूरा ध्यान है कि ये समय है, अब बारिश आने वाली है, गाओ। हमारे देश में मौसम की इतनी निश्चिंतता है कि मैं भारत में 3 लाख किलोमीटर का प्रवास कर चुका हूं पिछले 10-12 वर्षों में। छोटे छोटे गांव में ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो बादल की तरफ देखेंगे, राजीव भाई 10 घंटे में बारिश आएगी। मैं कहता हूं यार तुम्हारे पास कोई सैटेलाइट है क्या, ये कैसे तुमने बता दिया 10 घंटे में बारिश आएगी? वो कहते हैं जी सैटेलाइट क्या होता हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बादल का रंग देख के हमें मालूम है कि 10 घंटे में आएगी कि 15 घंटे में आएगी या नहीं आएगी। और हमारा करोड़ों करोड़ों रुपए का सैटेलाइट हर रोज फेल होता है। वो बोलता है कि आज कोटा में 24 घंटे मूसलाधार होगा, आज दिन में 1 बूंद भी नहीं गिरी है। एक बूंद गिरी है कोटा में? आज के सवेरे के सब अखबार उठा के देख लो, फ्रंट पेज पे न्यूज है कि अगले 24 घंटे कोटा में मूसलाधार बारिश होगी, 1 बूंद भी नहीं गिरी है। इसका माने सब सैटेलाइट फेल। एक एक सैटेलाइट 400-400 करोड़ का बनता है, वो फेल है। और यहां गांव में रहने वाला साधारण गरड़िया जो बकरी चराता है वो आसमान देख के बता देता है कि 10 घंटे में बारिश आएगी, 15 घंटे में आएगी। हमारे लोग इतने होशियार और अकलमंद हैं कि बकरी के लक्षण देख के बता देते हैं बारिश आने वाली है। एक बार मध्य प्रदेश में मैं गया, एक छोटे से गांव में, आदिवासी हम कहते हैं उनको, आदिवासी तो हम सभी हैं, वास्तव में वो वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, वो वनवासी हैं, आदिवासी तो हम सब हैं। तो एक गांव में मैं गया और उनसे मैंने पूछा, भाई इस साल मौसम कैसा है? ये 3 साल पहले की घटना है, इस साल मौसम कैसा है? तो सरपंच ने थोड़ी देर ऐसे देखा एक पेड़ की तरफ, 15 मिनट के बाद कहा कि मौसम इस बार सामान्य है। मैं पूछा कैसे? तो उसने कहा ये पेड़ देख रहे हो ना, इसमें कोयल का घोंसला देख रहा हूं, अगर कोयल का घोंसला पेड़ के ऊपर के हिस्से में है तो समझ लो सूखा पड़ेगा, और बिल्कुल नीचे के हिस्से में है तो समझ लो भयंकर बारिश होगी। इस बार कोयल ने बीचों बीच घोंसला बनाया है तो बारिश सामान्य होगी। मैं चला आया और सच में उसकी भविष्यवाणी साबित हुई, उस साल बारिश सामान्य ही हुई। ऐसे ही एक गांव में गया, आसाम के पास एक गांव में गया व्याख्यान देने के लिए, तो वहां के एक व्यक्ति को पूछा, भाई मौसम कैसा है? तो उसने कहा, राजीव भाई इस बार चींटियां जो है ना ज्यादा भोजन इकट्ठा कर रही हैं, मुझे लगता है बाढ़ आने वाली है, क्योंकि चींटियों का स्वभाव भोजन इकट्ठा करने का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बाढ़ आने वाली है। और उस साल सच में आसाम में बाढ़ आई,
और लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए। हमारे लोगों को इतना हुनर और ज्ञान कि चींटी को देख के बता दें कि बारिश कैसी होगी, पक्षियों के घोंसले देख के बता दें बारिश कैसी होगी, जानवरों के व्यवहार का परिवर्तन देख के बता दें बारिश कैसी होगी। इसका अर्थ एक ही है कि यहाँ मौसम बहुत निश्चित है, और जब हर चीज निश्चित होती है तो सिम्टम्स परफेक्ट होते हैं, उसमें वेरिएशंस नहीं होते। यूरोप में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, वेदर तो बिल्कुल निश्चित नहीं। भारत और यूरोप का अंतर अभी शुरू हो रहा है, वेदर बिल्कुल निश्चित नहीं। वाइफ यूरोप में तो वो सोच ही नहीं सकते हैं कि एक पत्नी के साथ कभी एनिवर्सरी मनाने को मिले। हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, यूरोप में ये जो मैरिज एनिवर्सरी है ना, ये इस बात के लिए है कि आपको बड़ी शुभकामनाएं कि एक के साथ साल भर टिक गए आप, साल भर टिक गए, बड़ी भारी शुभकामनाएं। नहीं तो साल भर भी कोई टिकता नहीं एक के साथ। और यूरोप में अगर आप कुल जनसंख्या को जोड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे, तो मुश्किल से 1 या 1.5% लोग हैं जिनकी सिल्वर जुबली हुई है 25 साल, 1-1.5%। गोल्डन जुबली वाला शायद 0.5% भी ना मिले। लेकिन भारत में जैसे वेदर पक्का है ना, वैसे वाइफ भी पक्की। मैं आपको पिछले 15 साल का घूमने का तजुर्बा बताता हूं। भारत की महिलाएं पुरुषों की तुलना में 200% ज्यादा वफादार होती हैं, पुरुषों की तुलना। पुरुष तो कभी भी भटकता है, कभी कभी उसकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर होती है, लेकिन महिलाएं जो है ना पत्नी, वो 200%, 300%, कभी कभी 500% वफादार होती है। मैंने इस देश में हजारों पत्नियों को देखा है, एक दो नहीं, क्योंकि मैं चिकित्सा भी करता हूं होम्योपैथी की, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसमें पति विकलांग हो गया शादी के 3rd दिन और पत्नी ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं। ऐसे मेरे पास एक दो नहीं, हजारों पेशेंट की लिस्ट है। ऐसे मेरे पास बहुत लोग हैं जिनको टांग टूट गई, जिंदगी भर के लिए चली गई, टांग कट गई, हाथ कट गया, अंगूठा कट गया, कुछ हो गया, अंग भंग हो गया, पत्नी ने छोड़ा नहीं। और ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, उनके नाम तो नहीं बता सकता, कि पुरुषों में पूरी नपुंसकता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, फिर भी उनकी पत्नी उनको छोड़ती नहीं। तो भारत की वाइफ पत्नी 200%, 500%, 1000% कुछ होता हो, एकदम पक्की, आसानी से नहीं छोड़ते। और इतना ही नहीं है, वो तो कहती है जी 7 जन्म का साथ है अब तो, ऐसे कैसे छूट जाएगा। तो यहां वेदर भी पक्का है, वाइफ भी पक्की है, और वेल्थ भी पक्की है। धन संपत्ति के बारे में हमारे देश में एक बहुत महान बात कही गई है। हमारे